गए मेरे गुलाब जामुन। सारी मिठाइयाँ बन चुकी हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम आप सभी को। सुबह हो चुकी है दोस्तों, कैसे हो सब लोग? होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। सो गाइस, आज है दिवाली। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएँ आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को और मेरे सभी अपनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं दिल से चाहती हूँ माता रानी आप सबकी सभी विशेष पूरी करे, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो गाइस, सुबह के काम मेरे शुरू हो चुके हैं और सुबह की ब्लॉगिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। मैंने सोचा चलो सुबह से ही अपना थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर तो कामों में बिज़ी हो जाते हो तो टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं, सब लोग जाग गए थे, उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले मैं बेड शीट चेंज कर देती हूँ। आज दिवाली है तो दिवाली पर मैं न्यू बेड शीट बिछा देती हूँ। और ये देख लीजिए, ये वाली बेड शीट मैं अपने बेड पे बिछाने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं रूम ठीक करूँगी, रूम पूरा मिसी मिसी सा पड़ा हुआ है, उसके बाद मैं बाकी के काम देखूँगी। सारे घर में मैंने झाड़ू लगा दिया, उसके बाद सीधा मैं बेडशीट चेंज करने के लिए आ गई हूँ। और चलिए फिर उसके बाद आगे के काम देखने हैं, काफ़ी सारे काम भी हैं आज। आप सबको पता ही है दिवाली के दिन कितने सारे काम होते हैं, किसी को फ़ोन भी नहीं कर पाते हैं कामों की वजह से, और मैसेज भी आते हैं ना उसका रिप्लाई भी सीधा रात को ही जाएगा, क्योंकि पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं सब लोग। तो आप लोग भी समझ सकते हो, आप खुद भी बहुत बिजी रहते हो दिवाली वाले दिन, तो कैसे क्या मैनेज होता है, बहुत सारे काम भी करने होते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे अब हमारी नाश्ता करने लग गई हैं, ब्रश करके आई हैं और मैं अपना बेड ठीक कर रही हूँ। अब खा रही हैं मठरी। गाइस, आप लोग सोच रहे हैं कि दिवाली को निकले 8-10 दिन हो गए, आप इतना लेट वीडियो डाल रही हो, तो क्या करें गाइस, टाइम का इश्यू हो जाता है, टाइम की वजह से इतना लेट वीडियो ही आ पाता है मेरा, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। और इतने दिन बाद मैं एडिटिंग कर रही हूँ और देखते हैं आज ये वीडियो जाएगा। आज कितनी डेट है मैं बता दूँ आपको, आज है मंगलवार है, 21 है आज, 21 नवंबर। सो गाइस, दोपहर का टाइम है, अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आज मैं मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ दिवाली पे। तो थोड़ा सा पनीर मैंने मंगाया था, बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है, मटर रखी है, यहाँ पे धनिया की पत्ती मैंने धुल के रख ली है और यहाँ पे पक रहा है मेरा मसाला। ये देखो, मैंने टमाटर को पीसा नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तो मैंने ऐसे ही डाल दी, तो ये ऐसे ही मैश हो जाएंगे सारे टमाटर, ये देखिए इस तरीके से। तो मसाला हमारा पक गया है। सो अभ्या बोल रही थी कि मम्मा आप हर साल दिवाली पे फूल गोभी आलू की सब्जी ही बनाते हो। मैंने कहा बेटा तुझे दिवाली की याद है लास्ट ईयर की? कह हाँ मम्मा मुझे याद है, आप आलू गोभी बनाते हो हर बार। बोल रही थी इस बार पनीर की सब्जी बनाना, मैंने कहा ठीक है इस बार पनीर ही बनाएंगे दिवाली पे। चलिए सब्जी छौंक देती हूँ मैं। ये लोग गए हैं फूल वगैरह लेने के लिए, फूल माला और पूजा की कुछ सामान है वो लेने गए हैं, पूजा की सामग्री। और ये वाली साड़ी मैंने पहनी है अभी, और शाम को कौन सी साड़ी पहनूंगी कोई भी आइडिया नहीं है दिमाग में, क्योंकि कामों से ही फुर्सत नहीं मिल रही, काम से फ्री हो तब तो कुछ सोचें शाम को क्या पहनेंगे। तो देखूंगी कोई सी भी साड़ी निकाल लूंगी पहनने के लिए। और बाकी की मैंने सारी तैयारी कर ली है, ये देखिए आपको सुबह की भी पूजा मेरी हो चुकी है। ये देखिए मैंने मोर पंख भी ले लिए हैं, 5 मोर पंख है, और आम के पत्ते भी मैंने मंगा लिए, धुल के रख दिए हैं। ये देखो बाकी की पूजा की चौकी वगैरह लगाएंगे, अभी कुछ भी नहीं लगाया है। और इधर ये देखो बेडरूम, और ये देखो मेरी बर्फी भी अच्छे से बन गई है, ये देखो सेट हो गई है बिल्कुल। मैंने इसमें निशान लगा दिए थे रात को 10:30 बजे, मैंने इसमें निशान लगाए क्योंकि बर्फी लेट ही बनी थी। और ये देखो अच्छे से इसके पीस निकल आएंगे, अब अगर निशान नहीं लगाते ना तो फिर पीस नहीं निकलते इसके। अब यह मांग रही थी मम्मा दे दो, मैंने कहा नहीं बेटा शाम को एक साथ ही खाना, जब लक्ष्मी पूजन हो जाएगा ना तभी मिलेगी खाने को, क्योंकि पेड़े तो मैंने दे दिए थे इनको, लक्ष्मी पूजन के लिए मैंने निकाल के रख लिए थे और मंदिर में भोग लगा दिया था और इन लोगों को खाने को दे दिए। मैंने कहा बर्फी और गुलाब जामुन नहीं मिलेंगे, वो सीधा लक्ष्मी पूजन के बाद ही खाने को मिलेंगे। तो चलिए खाना बना खा लें, उसके बाद गुलाब जामुन बनाना है, बाहर रंगोली बनाना है, काफ़ी सारी तैयारी करनी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय।
गैस अव्या की फरमाइश पे हमारी मटर पनीर की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और चलिए अभी हम इसमें डाल देते हैं हरे धनिया की पत्ती, ताकि हमारे पनीर का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप लोग भी आ जाइए, आज हमारे दोपहर की लंच में है मटर पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियाँ। सो यहाँ पे मैंने आटा तैयार करके रख लिया है लगा के, और चलिए आज मैंने थाली में आटा लगाया है, क्योंकि जो हमारे आटा लगाने वाला तसला होता है ना, उसमें मैंने बर्फ़ी जमा दी है, एक आटा वाले तसले में और एक थाली में, इसलिए वो खाली नहीं था। यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ भी सिक गई हैं, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और फटाफट से इन सबको भी दे देती हूँ मैं, और ये देखो बर्फ़ी भी मेरी सेट हो गई थी, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। गाइज ये सब लोग मार्केट से आ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि फूल माला वगैरह लेने के लिए गए थे। तो मैंने कहा सबसे पहले आप लोग खाना खा लो ताकि मैं फ्री हो जाऊं, और उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट काम देखूं, गुलाब जामुन भी बनाने हैं। तो इन लोगों को मैं खाना परोस देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, फिर से लग जाती हूँ अपने सारे कामों में। गाइस खाना खाने के बाद मैं सीधा लग गई गुलाब जामुन बनाने में, और मैंने इनसे बोला थोड़ी सी हेल्प कर दो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। दोपहर के 3-4 बज रहे होंगे, और काफ़ी सारे काम है, रंगोली बनानी है, उस वाले घर पे भी जाके साफ़ सफाई करनी है, और दीपक वगैरह जला के आना है। तो मेरा ऐसे ही होता है, हर साल मैं दिवाली वाले दिन ही गुलाब जामुन बना पाती हूँ। खाना पीना हमारा हो गया था, उसके बाद मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। ये देखो सारे गोल गोल करके रख लिए हैं, अभी मैं इनको सेकने जा रही हूँ। ये देखो चाशनी मैंने बना के रख ली है, ऑयल भी गर्म हो गया है, तो चलिए फटाफट से गुलाब जामुन सेक लेते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे फूल माला, और बाहर गेट पे माला भी लगानी है। तो बहुत सारे काम भी अभी बचे हैं, टाइम हो गया है दोपहर के 3-3:30 बज चुके हैं, और बहुत सारे काम अभी करने हैं, तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बन गए मेरे गुलाब जामुन, देखो थोड़ी सी चाशनी कम पड़ गई इसमें, ठीक है फिर बचती है, अभी फिक्स है। सारी मिठाइयाँ बन चुकी हैं, बस यही बनानी थी, अब इसके अलावा कुछ नहीं बनाएंगे। क्या कर रहे हो? गाइस गुलाब जामुन बनाने के बाद मैं बनाने लग गई हूँ माला वगैरह, फूल ये ले आए थे और आम के पत्ते भी रखे हुए थे। आप देख रहे हो एक के बाद एक काम, एक के बाद एक ऐसी लगा हुआ है, और क्या ही बताऊँ, 20 मिनट का वीडियो ये बनाया है मैंने, और पूरे दिन कितने सारे काम होते होंगे, वीडियो तो इतना छोटा बनता है, 10 से 12 मिनट का, 15 मिनट का, आज 20 मिनट का बनाया है, कितने सारे काम है, सुबह से शाम तक कोई भी नहीं दिखा सकता आपको कि कितने सारे काम करने होते हैं, खासकर त्यौहार वाले दिन। सो यहाँ पे मैंने माला बना दी है, और ये लगा रहे हैं गेट पे, सबसे पहले मेन गेट के लिए मैंने बना दी है बड़ी वाली माला, और फिर उसके बाद माता रानी के लिए बनाऊंगी, और गणपति बप्पा के लिए बनाऊंगी, तो भगवान जी के लिए भी मैं बनाऊंगी। मैंने इकट्ठे सारे फूल ही मंगा लिए थे, माला मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से घर पे। आज यहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है, माला कुछ बना ली है, बाहर गेट पे लगा दी है बड़े वाले गेट पे, और अभी हम लोग चल रहे हैं कोचिंग पे पूजा करने के लिए। फूल ले लिए, कैलेंडर ले लिया, और बत्ती और मिठाई सब कुछ ले लिया, दीपक वगैरह, कैंडल भी ले लूं, देखो कलरफुल कैंडल, एक पैकेट ले लिया उसका कैंडल का। चलिए गाइस चलते हैं हमारे पुराने घर पे पूजा करके आते, क्योंकि कोचिंग अभी हमारी वहीं पे है, तो चलिए चलते हैं पूजा करेंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हमारे पुराने वाले घर पे, और यहाँ पे ही अभी ये पढ़ा रहे हैं हाल फिलहाल, तो यहीं पे कोचिंग चल रही है, और 2-3 दिन से ये आए भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि धनतेरस से छुट्टियाँ लग जाती हैं, तो कितनी ज़्यादा डस्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, तो सबसे पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया और बाहर धुलाई भी की है, और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं पूजा।
मतलब कुछ तस्वीर हम लोग यहाँ पे छोड़ गए थे, क्योंकि कोचिंग है तो कोचिंग में मंदिर होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग आए हैं दीपक जलाने के लिए, पूजा करने के लिए, फूल वगैरह, मिठाई, कैंडल सब लेके आए थे। सो यहाँ पे हमारी पूजा चल रही है, और चलिए कर लेते हैं पूजा। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। गाइस, पुराने वाले घर से आने के बाद मैं सीधा लग गई थी रंगोली बनाने में। आज तो इतनी ज़्यादा थकान लग गई है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। शाम के 6:30 बज गए हैं और अंधेरा भी हो गया है, और लेट भी मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ, अंदर भी बहुत। हम लोग रेडी हो गए हैं। ये देखिए, मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। और लक्ष्मी पूजन करने हम लोग जा रहे हैं, और हमारी अभ्या नभ्या भी रेडी हैं। ये तो हम खुद से रेडी हुई है, देखो खुद से रेडी हुई है। नव्या कहाँ है? नव्या नव्या, चलो नव्या। सो गाइस, चलिए लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया है, 8:30 होने जा रहे हैं। और अभी मैं फ्री हो पाई हूँ, पूजा की सारी तैयारी कर ली है मैंने। नव्या, ओ नव्या ने कितना सुंदर मेकअप किया है, देखो देखो गाइस, खुद से किया है नव्या ने। मैंने उसके जैसा ही किया है, उसके जैसा ही किया। ये देखो सारी तैयारी हो गई है पूजा की, तो चलिए कर लेते हैं पूजा, कर जाओ। गाइस, फाइनली सारी तैयारी हो चुकी है हमारी पूजा की, अंदर भी हमने सारा सामान लगा लिया है, चौकी वगैरह, और अभी हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। आप लोगों ने कितने टाइम पे लक्ष्मी माता का पूजन किया था इस बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस बार हम तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे, इतना लेट हम कभी नहीं हुए, 9 बजे हमने पूजन किया है। गाइस, फाइनली शुरू करते हैं लक्ष्मी पूजन, और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, अव्या नव्या भी बैठी हैं। ये देखिए नव्या क्यों हंस रही है, पता नहीं क्यों हंसी आ रही है उसको। दोस्तों, आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे, आपके घर में सुख संपन्नता आए, आपके घर से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाए, बस यही कामना के साथ शुरू करती हूँ लक्ष्मी माता की पूजा, और आप लोग साथ में बने रहिएगा। गाइस, अभी मैं कर रही हूँ झंडे का पूजन, खाटू श्याम का झंडा है, काफ़ी पहले का रखा हुआ था, हमने नहीं लगाया है, आज हम लगाएंगे इसको।
पूरी खिला दो पूरी। हाँ पूरी रख दो, वही नीचे रख दो, खा लेगी। क्या कर रही हो तुम लोग? नीचे हमने सब में कैंडल और दीपक जला दिए हैं, अभी ये ऊपर जा रहे हैं कैंडल जलाने के लिए छत पे और झंडा लगाने के लिए। क्यों अभिया क्या कर रही हो? सो गाइस फाइनली पूजा हमारी हो गई है, सब में कैंडल भी लगा दी, दीपक भी लगा दिए, और ये है हमारा छोटा सा आसियाना जो कि आप लोग देख रहे हो। मतलब हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान जी का है, उन्हीं की देन है, हमारा कुछ नहीं है। इंसान बोल देता है कि हमारा है, ये है, वो है, अपना कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं का है। कलर खत्म गाइज, ये वीडियो ना रंगोली बनाते समय का है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इग्नोर करना आप लोग। कलर की बात चल रही है, अभ्या रभ्या ने सारे ही कलर स्कूल में ले जाके खत्म कर दिया। फुलझड़ी जला रही है, पार्टी बकवास कर रही है। अब भी आगे खत्म हो गई है। गाइज यहाँ पे अभ्या नभ्या देख रही हैं टीवी और दोपहर में बिल्कुल भी सोई नहीं है, तो देखो इसकी आंखें कैसे कर रही है। मैं यही बोल रही थी इसको नींद आ रही है तो सो जाओ, लेकिन टीवी में दोनों बिजी हैं। गाइज लक्ष्मी पूजन हो गया हमारा और अभी बाहर सब लोग पटाखे चला रहे हैं। हम लोग तो पटाखे नहीं लाए थे, अभ्या नभ्या के लिए फुलझड़ी वगैरह लेके आए थे, तो इन्होंने सारी चला ली, मेरे लिए सिर्फ एक फुलझड़ी छोड़ी है नभ्या ने। इसका क्या करूँ मैं घंटा? क्यों अभ्या, नभ्या ने मुझे एक दी थी, तुमने सारी चला ली अपनी? क्यों मेरे को तो देती एक। ये लो फिर, सात रुपए का इस पैसे है ना यार। तो गाइस चलिए बाहर का नजारा आपको दिखाती हूँ, फटाकों की आवाज आ रही होगी आपको। क्या है ये? ये लो। क्या है? इसे जलाते हैं बोलिए। नेक बनता है क्या इससे? हाँ, ये देखो रंगोली के पास दो दीपक जल रहे हैं अभी। अभ्या नभ्या ने फुलझड़ी तो सारी जला ली, अब ये जला रही है। इसमें गोली सी निकलती है और फिर चिटपिट की आवाज आती है इसमें। चलो आ जाओ, खाना नहीं खाना किसी को? ये देखो लक्ष्मी पूजन हो गया, इतना लेट हो गए थे हम लोग पूजन के लिए, तो फिर मैंने जल्दी में जो साड़ी मिली वही पहन ली। ये काफ़ी टाइम पुरानी साड़ी है और मुझे अचानक से यही दिख गई, तो मैंने कहा चलो यही निकाल लेती हूँ, क्योंकि सामान अभी सारा अस्त व्यस्त है, कुछ भी तरीके से नहीं लगा पाया है, तो मुझे मिल ही नहीं रही थी साड़ियाँ, मैंने यही पहन ली।
चलिए गाइस अभी खाना पीना खाएंगे और अभी तो टाइम लगा क्योंकि अभी तो चलिए यहीं पर मैं इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। वीडियो कैसा लगा आप सबको? दिवाली का कितनी आवाज़ आ रही फटाकों की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। टेक केयर, जब तक थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जब तक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं तब तक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और लाइक कर देना और जो घंटी है उसे दबा देना, टिंग टिंग। हां घंटी दबाओगे ना तभी आपको हमारे वीडियो की क्या मिलेगी? नोटिफिकेशन। क्या नव्या? नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन इसके चक्कर में मैं भी बोलना भूल गई, नोटिफिकेशन। तो ठीक है गाइस, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली टू ऑल, सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय।